हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विज्ञापन कला से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फाइन आर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में एडवर्टाइजिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। UGC नेट JRF में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विज्ञापन कला से संबंधित होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें जितने भी मैंने वीडियो डाल रखी है वो सारी वीडियो को आप ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल है। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उसमें मैं जितनी भी फाइन आर्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF या फिर क्वेश्चन पेपर वो सारी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब वहाँ से भी जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कागज का अंतर्राष्ट्रीय आकार है। ऑप्शन है A1 साइज़, A2 साइज़, डेमी साइज़, क्राउन साइज़। का राइट आंसर है बी, ए और बी, यानी कि A1 साइज़ और A2 साइज़। फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो कागज का अंतर्राष्ट्रीय मापन यानी कि जो मानक है वो है ISO के अनुसार कागज के आकार को शब्दों A, B और C के आधार पर जाना जाता है। और ए आकार के कागज का प्रयोग मुख्यतः स्टेशनरी व पुस्तकों आदि के लिए किया जाता है, और बी आकार के कागज का प्रयोग पोस्टर व रंगीन मुद्रण आदि के लिए किया जाता है। फिर हम बात कर लें सी आकार के कागज का प्रयोग किस में होता है, तो सी आकार के कागज का प्रयोग लिफाफे बनाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप ज़रूर नोट करिए कि ए आकार के कागज का प्रयोग स्टेशनरी व पुस्तकों के लिए, बी आकार के कागज का प्रयोग पोस्टर व रंगीन मुद्रण के लिए, और सी आकार के कागज का प्रयोग लिफाफे बनाने के लिए किया जाता है। फिर है मूलभूत आकार के कागज की शीट को AO, BO, CO कहा जाता है, तथा इसको काट कर टुकड़े करने पर इसे A1, A2, A3 से लेकर A10 तक आदि में विभाजित किया जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय कागज का आकार A1 और A2 साइज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृत उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा, क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय के केंद्रीय सरकार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है पारगमन विज्ञापन, बाय क्षेत्रीय विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल, अचल अभिकल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष मेल, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये फोल्डर है, ये फोल्डर विज्ञापन, ये प्रत्यक्ष मेल श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संप्रेक्षण की प्रक्रिया के सही क्रम को चुनिए। ऑप्शन है संचरण, प्रेक्षक का संदेश, अर्थ स्पष्ट करना, कूटबद्ध करना। राइट आंसर है सी, सबसे पहले हो जाएगा प्रेषक का संदेश मैसेज, उसके बाद हो जाएगा कूटबद्ध करना, फिर है संरचना, फिर है नेक्स्ट अर्थ स्पष्ट करना, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में अर्थ स्पष्ट करना, यानी B, D, A और C। और फ्रेंड्स, जितने भी विज्ञापन के क्वेश्चन हैं ये अधिकतर UGC नेट के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडवर्टाइजिंग में केवल और केवल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेंगे तो उसी से ही क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ग्राफिक कला से और विज्ञापन कला से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे वो सारे आपके राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है UGC नेट का है, ये चित्र को देने के बाद ये क्वेश्चन को दर्शाया गया था, यहाँ पे चित्र मेंशन नहीं है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ ये किस क्वेश्चन का पूछा गया है, किस चित्र का। तो इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं, यानी कि मैसेचियो द्वारा रचित एक कृति है द ट्रिब्यूट मनी,
और द ट्रिब्यूट मनी में पूछा गया है कि उस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 एपिसोड चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का सही आकार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले है रॉयल, आइवरी, इम्पीरियल, A6, तो इसका हम मिलान कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर है ए, यानी रॉयल का हो जाएगा 25x20, आइवरी 22x28, इम्पीरियल साइज़ का 22x30 और A6 का है 4.1x5.8, यानी ए इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में वन वर्ड में भी पूछ सकता है कि रॉयल का जो सीट है उसका साइज़ क्या है, या फिर आइवरी कागज का साइज़ क्या है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप याद कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विज्ञापन अभियान की आवश्यक तैयारी के सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन है बाजार अनुसंधान, सृजनात्मक रणनीति, निर्माण, उपभोक्ता की पृष्ठ प्रतिपुष्टि, तो इसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले हो जाएगा बाजार अनुसंधान, यानी सबसे पहले बाजार अनुसंधान, फिर है सृजनात्मक रणनीति, उसके बाद आ जाएगा निर्माण, देन लास्ट में आ जाएगा उपभोक्ता की प्रति पुष्टि यानी फीडबैक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोहक व अवरोहक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है अभिन्यास निर्माण, छपाई प्रक्रिया, फोटोग्राफी, मुद्रण कला, राइट आंसर है डी, मुद्रण कला इज़ द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन UGC नेट के 2019 में पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, बाह्य विज्ञापन बनाते समय निम्नांकित में से किन तत्वों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है सुस्पष्ट चित्र, विज्ञापन की लोकेशन, पैकेजिंग, वितरण, इसका राइट आंसर है बी, ए और एक और दो, यानी कि सुस्पष्ट चित्र और विज्ञापन की लोकेशन। और फ्रेंड्स, अगर आप विज्ञापन कला के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि विज्ञापन कला से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करेंट के दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। नया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, तो इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रसून जोशी, तो प्रसून जोशी का है सेंसर बोर्ड, शाहिद कपूर अभिनेता, प्रदीप सरकार विज्ञापनकर्ता, देन लास्ट आ जाएगा अविनाश पसरिचा, इसका हो जाएगा अविनाश पसरिचा का हो जाएगा फोटोग्राफर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राइट आंसर, प्रसून जोशी सेंसर बोर्ड, शाहिद कपूर अभिनेता, प्रदीप सरकार विज्ञापनकर्ता, अविनाश पसरिचा फोटोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि वो एक महान भविष्य दृष्टा तथा राष्ट्रवादी थे। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन है, उत्पाद को टैगलाइन के साथ सुमेलित करें। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, सर्फ एक्सल, सीएट, एप्पल मैकिंटोस, एडोब, इसमें ये सिंप्लिसिटी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो एडोब सिंप्लिसिटी का क्या होगा, तो मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, सीएट, बार्न टफ, एप्पल मैकिंटोस, थिंक डिफरेंट, एडोब सिंप्लिसिटी का हो जाएगा एट वर्क बेटर बाई एडोब, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, सीएट बार्न टफ, एप्पल मैकिंटोस, थिंक डिफरेंट, एडोब सिंप्लिसिटी का हो जाएगा एट वर्क बेटर आई एडोब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निम्न भारतीय बैंकों को उनकी टैगलाइन के साथ सुमेलित करें, तो इसका राइट आंसर है बी, वेयर इंडिया ट्रस्ट, आंध्र बैंक, एम्पावरिंग वुमेन, भारतीय महिला बैंक, द सिटी नेवर स्लीप्स, सिटी बैंक, हम है ना ख्याल आपका, ICICI बैंक, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन, DAVP सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है
तथा भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता लाता रहा है, क्योंकि डीएवीपी को केंद्र सरकार के लिए मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सही सुमेलित है। सॉल बॉस का आईबीएम को दिया गया सबसे अधिक दीर्घकालीन योगदान आईबीएम लोगों का कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, क्योंकि सालबास का विचार था कि स्ट्राइप्ड आईबीएम लोगो टाइप ने विजुअल रिद्म नाम दिया और कम एकाश्मी आभास दिया, जो बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनी के लिए उपयोगी था। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का क्रम लगाइए। तो इसका राइट आंसर है डी, सबसे पहले न्यूज़पेपर, रेडियो, गुरिल्ला प्रमोशन, देन लास्ट आ जाएगा सोशल मीडिया, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीन्यूअस टोन की सबसे सामान्य छवि निम्न में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है डिजिटल फोटोग्राफ, समाचार पत्र चित्र, प्रोडक्ट मैगजीन, ब्रोमाइड प्रिंट व लेटेंट इमेज। इसका राइट आंसर है ए, डिजिटल फोटोग्राफ। किस प्रकार के मीडिया में विज्ञापन का आकार कॉलम एक्स सेंटीमीटर में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, समाचार पत्र में। विज्ञापन माध्यम यानी एडवर्टाइजिंग मीडिया विज्ञापन योजना के निर्माण और उसको तैयार करने के पश्चात विज्ञापन संदेश को संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, और यही वाहक विज्ञापन में माध्यम कहलाता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन आदि। और समाचार पत्र में विज्ञापन का आकार कॉलम एक्स सेंटीमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोगन को उसके सृष्टिकर्ता के साथ सुमेलित करें। तो ये जो है स्लोगन है, इनको इसके सृष्टिकर्ता के साथ सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर है बी, ये पहले का दूसरा। 60 माइल्स प्रति घंटे में उच्च स्वर वाली आवाज़ इलेक्ट्रिक घड़ी से रोल रॉयल में आती है, इसका है डेविड ओगिलवी। बी है वोडाफोन बीटल के लिए थिंक स्मॉल अभियान, इसका है विलियम बर्नबाक। नेक्स्ट है, प्रत्येक उत्पाद में अंतर्निहित नाटक होता है, ये हो जाएगा लियो बर्नेट। लास्ट है, इन उत्पाद को खरीदो और तुम इस विशिष्ट लाभ को प्राप्त करो, इसका राइट आंसर है रोजर रिवेस, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति बाहरी विज्ञापन के लिए उसकी पसंद और नापसंद के बावजूद प्रस्तुत है, क्योंकि इसे श्रोता दर्शक गण को प्रभावित करना है, राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे बी ना देके यहाँ दिया हुआ है आर, तो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संस्था संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों के सही अनुक्रम का चयन करें। राइट आंसर है ए, सबसे पहले है बर्ताव, बदलाव, संप्रेक्षण, देन लास्ट आ जाएगा समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमुख भाग क्या है? ऑप्शन है हेडलाइन यानी शीर्षक, संदेश, प्रतिस्पर्धात्मक सीमा, ग्राहक लाभ। राइट आंसर है ए, हेडलाइन शीर्षक। कौन सा टैग लाइन के रूप में जाना जाता है? थिन लाइन, पंच लाइन, फिक्स लाइन, जॉ लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंच लाइन। यानी कि कौन सा एक टैग लाइन के रूप में जाना जाता है? तो पंच लाइन। यहाँ पे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो पंच लाइन को टैग लाइन के रूप में भी जाना जाता है, और अमेरिका में इसे टैग लाइन के रूप में जानते हैं। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो ये नाम है, ये कहाँ पे मुख्य रूप से लिया जाता है? तो अमेरिका में। यूके में इंड लाइन्स, बेल्जियम में बेस लाइन्स, फ्रांस में सिग्नेचर, और जर्मनी में क्लेम।
नेक्स्ट है नीदरलैंड व इटली में पेऑप्स नाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टैगलाइन के अलावा भी और भी जितने भी हैं सिग्नेचर्स को किस नाम से जाना जाता है, किस जगह पे किस सिग्नेचर कहा गया है, तो फ्रांस में, जर्मनी में क्लेम कहा गया है, नीदरलैंड व इटली में पेऑप्स कहा गया है, और जो टैगलाइन है ये कहा गया है अमेरिका में, यानी इन सारे शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर है सी, इसकी आकर्षक लगाने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दैनिक का नाम बताइए जिसने टीच इंडिया अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन है मेल टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। राइट आंसर है बी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और टीच इंडिया अभियान की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र ने की थी। सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत या शुरू किए गए एक अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में मदद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर विज्ञापन मॉलिन रॉक को किसने रूपांकरित किया, तो इसका राइट आंसर है ए, टोलुस लोत्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नाम बताइए जो उत्पाद के विक्रय या पुनर्विक्रय से संबंधित नहीं होता। ऑप्शन है डीलर, व्यापारी, उपभोक्ता, फुटकर विक्रेता, वितरणकर्ता। राइट आंसर है बी, उपभोक्ता, कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1704, 1804, 1785, 1890। राइट आंसर है ए, 1704। विश्व का प्रथम अखबार विज्ञापन 1704 ईस्वी में बोस्टन न्यूज़पेपर नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इस विज्ञापन में एक द्वीप के विक्रय हेतु सूचना प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विज्ञापन माध्यमों को उनके सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर है सी, सबसे पहले अखबार, फिर है रेडियो, टेलीविज़न, और जो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रोडक्ट स्टडीज़ को सही क्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर है इसका सी, सबसे पहले वास्तविक बाजार, विक्रय नीति प्रणाली, द लास्ट है विक्रय संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन मार्केटिंग के सही क्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, द लास्ट है वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कॉमर्शियल शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन है उपयोजित, अप्लाइड कला, टीवी विज्ञापन, घोषणा, संप्रेक्षण। राइट आंसर है बी, टीवी विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन विख्यात ब्रांड वॉक्स वैगर कारों की बिक्री विश्व भर में अत्यधिक बढ़ गई है क्योंकि उसका विख्यात अभियान था कि प्रति घंटा 60 मील की रफ्तार पर कार में सर्वाधिक ऊंची आवाज़ बिजली की घड़ी से आती है। राइट आंसर है इसका डी, ए और आर दोनों सही नहीं है, दोनों रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन विभाग के रचनात्मक विभाग के टाइपोग्राफर घनिष्ठ रूप से कला निदेशक के साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि वो उस टाइपफेस का पता लगाता है या उसका आविष्कार करता है जो विज्ञापन के सुर और मिजाज को संतुष्ट करता है। इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, विज्ञापन डिज़ाइन का सही क्रम चुनिए। सबसे पहले है दर्शक पहचान, अवधारणा विकास, व्यापक डिज़ाइन, देन लास्ट है पूर्ण डिज़ाइन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन 20वीं सदी का सबसे बड़ी कला का रूप है, यह युक्ति निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन है मार्शल मैकुलहन, डेविड ओगिलवी, जेरमी बुलमोर, रोजर रिफ्स। राइट आंसर है ए, मार्शल मैकुलहन। मार्शल मैकुलहन ने ही कहा था विज्ञापन 20वीं सदी का सबसे बड़ी कला का
रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी निम्नलिखित में से किसकी माप इकाई है? तो इसका राइट आंसर है डी, समाचार पत्र विज्ञापन। नेक्स्ट है, विज्ञापन कार्य नीति का सही क्रम चुनिए। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, मीडिया सेलेक्शन, क्रिएटिव प्लानिंग, द लास्ट है फीडबैक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन है, मैं आपको अमेरिकी सेना के लिए चाहता हूँ। इसका राइट आंसर है जेम्स मोंटगोमरी फ्लागा। बी है लोई फुलर पोस्टर। तो इसका हो जाएगा जुलिस चैरेट। सी है जेन एवरिल पोस्टर। फोर हेनरी डी लोत्रेक। नेक्स्ट है टोलुस लोत्रेक पोस्टर। तो डी का हो जाएगा सेकेंड, यानी कि पीटर मैक्स। इसका भी हम राइट आंसर नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बी इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले है, मैं आपको अमेरिकी सेना के लिए चाहता हूँ, तो जेम्स मोंटगोमरी फ्लागा, लोई फुलर पोस्टर, जुल्स चैरेट, जेन एवरिल पोस्टर, हेनरी डी टोलुस लोत्रेक, द लास्ट है टोलुस लोत्रेक पोस्टर, पीटर मैक्स। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डेविड ओगिल्वी एंड माथर, ए इज द इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ए है। सबसे पहले हो जाएगा ए का पहला, टेप्रूट इंडिया तीसरा, ड्राफ्ट एफ सी बी यू एल के ए। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, लोवे लिटांट सेकेंड। ये राइट आंसर इसका यहाँ पे है, ओगिल्वी एंड माथर का। फिर है टेप्रूट इंडिया, ड्राफ्ट एफ सी बू एफ सी बी यू एल के ए, फिर लोवलिटान तनिष्क डायमंड अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य विज्ञापन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है, भले ही वह चाहे या ना चाहे, क्योंकि इसे दर्शकों पर अपनी पकड़ बनानी है। तो इसका राइट आंसर है ए, ए सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टोरियल मीडिया के अनुसार भिन्न विधियों से पुनरावृत्ति की विशेष प्रवर्तनीय विशेषता के साथ उद्विकसित हुआ है। वाणिज्यिक विज्ञापन प्रायः अपनी उत्पाद व सेवाओं की ब्रांडिंग या पुनरावृत्ति के जरिए वर्धित उपभोग सृजित करने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पोस्टर डिज़ाइनर ने कहा, डिज़ाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है? राइट आंसर है डी, सॉल बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या है? राइट आंसर है सी, इमेज ऑफ ओबामा, ओबामा की प्रतिमा। नेक्स्ट है, एडवर्टोरियल विशेष प्रवर्तनीय विशेषता के साथ किस रूप का विज्ञापन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संपादकीय का। ए इज द राइट आंसर। यानी निम्नलिखित विज्ञापन दार्शनिकों को उनकी विख्यात हेडलाइन सुर्खियों के साथ सुमेलित करें। यह क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी पहले का दूसरा है, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। ये रहे विज्ञापन कला से संबंधित कुछ 51 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन विज्ञापन कला के पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे मेरे जितनी भी वीडियो आती रहेंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और मैंने जितनी भी वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पर उसको आप एक बार ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी अभी ज्वाइन कर लें, उसमें जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।